अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर जुहेब। हमने 9th क्लास के कोर्स को स्टार्ट किया था। अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था, और उस सेक्शन के अंदर हमने मीटर रूल और वर्नियर क्लिपर को हमने स्टडी किया था। आज हम बाकी के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस तरह हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हमारी डिफरेंट मेजरमेंट्स के अंदर मदद करता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आपको मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 हम स्टडी कर रहे थे, फिज़िकल क्वान्टिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। आज का जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे स्क्रू गेज। स्क्रू गेज भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सच एज अ वर्नियर क्लिपर। वर्नियर क्लिपर जो मेजरमेंट करता है वो 1 मिलीमीटर से भी स्मॉल मेजरमेंट्स होती थी, ठीक है। स्मॉल से स्मॉल मेजरमेंट्स, जैसा कि हमने कोई वायर है उसका हमने डायमीटर फाइंड करना है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, कोई सिलेंडर है सिलेंडर का हमने लेंथ फाइंड करनी है, सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करना है, तो हम वर्नियर क्लिपर को यूज़ करते हुए हम मेजर कर सकते हैं। सच एज स्क्रू गेज भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही है। अ स्क्रू गेज is an instrument that is used to measure small length with accuracy greater than a vernier clipper. Screw gauge भी एक measuring instrument ही है, ये भी small length ही measure करता है, लेकिन ये as compared to vernier clipper ये more accurate है, ये बहुत ही अच्छी तरह length को measure करता है। It is also called as a micrometer screw gauge. इसको हम micrometer screw gauge भी कहते हैं। A simple screw gauge consists of a U-shaped metal frame with metal stud at its one end as shown in figure. एक simple screw gauge जो होता है वो एक U-shape, ये जो हमारे पास ये shape बनी हुई है, ये क्या है, एक U-shaped metal frame है, ठीक है, with metal stud, जिसके अंदर क्या होता है, एक metal stud होता है, ये देखें, ये इसका एक metal stud है, at its own end as shown in figure. A hollow cylinder has a millimeter scale over it along a line called index line parallel, जो कि इसको index line parallel to its axis. ये हमारे पास जो small cylinder है जिसको हमने ये index line कह रहे हैं, ये देखिए cylinder है, a hollow cylinder, ये एक hollow cylinder है, has a millimeter, जिसके ऊपर क्या होती है millimeters के अंदर होती है readings होती हैं, जिसको हम इंडक्स लाइन पैरेलल टू इट्स एक्सिस, ये जो इसका एक्सिस है उसके इंडक्स लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। द होलो सिलेंडर एक्ट एज अ नट, ये जो होलो सिलेंडर है ये एज अ नट भी एक्ट करता है, इसको मूव करवाएं तो ये मूव होगा, जिस तरह हमारे पास नट को हम मूव करवा सकते हैं। इट इज़ फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ यू शेप फ्रेम अपोजिट टू द स्टड, ये एक एक जगह पर क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसका ये जो इंडक्स लाइन पैरेलल जो फ्रेम है जिसको हम कह रहे हैं एक होलो सिलेंडर है, वो एक एंड पे क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अ थिम्बल हैज अ थ्रेडेड स्पाइंडल इनसाइड इट, और इसके अंदर एक थिम्बल होती है, मतलब कि हमारे पास एक कोई गोल पाइप है और उसके अंदर से हम कुछ चीज़ पास करवा रहे हैं, सेम यहाँ पे हमारे पास एक यही चीज़ बनी हुई है, ये जो थिम्बल है इस थिम्बल को भी हम क्या करवाते हैं, मूव करवा सकते हैं। एज द थिम्बल कम्प्लीट वन रोटेशन द स्पाइंडल मूव्स 1 मिलीमीटर अलॉन्ग द इंडेक्स लाइन, और जब हम इस थिम्बल को मूव करवाते हैं, जब इस थिम्बल को हम रोटेट करवाते हैं तो हमारे पास जो स्पाइंडल है, ये जो हमारे पास यहाँ पे स्पाइंडल है, ये वाली स्पाइंडल है, ये आगे की तरफ मूव करती है 1 मिलीमीटर अलॉन्ग द इंडेक्स लाइन। जब इस थिम्बल को हम रोटेट करवाते हैं और जब ये एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो हमारी जो ये स्पाइंडल है ये 1 मिलीमीटर आगे को क्या करती है, मूव करती है। इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द कंजेक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पाइंडल इज 1 मिलीमीटर, ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव थ्रेड्स, दो कंजेक्टिव थ्रेड्स के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मिलीमीटर का है। द डिस्टेंस इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू ऑन द स्पाइंडल, और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, ये पिच कहलाता है, पिच ऑफ द स्क्रू ऑन द स्पाइंडल, ये हमारे पास पिच ऑफ द स्क्रू होती है ऑन स्पाइंडल। द थिम्बल हैज 100 डिवीजन्स अराउंड इट्स वन एंड, हमारे पास जो थिम्बल है, ये जो हमारे पास थिम्बल है इसके अराउंड ये जो रीडिंग्स हैं ये कितनी होती हैं, 100 डिवीजन्स होती हैं। इट इज़ द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज,
इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, सिक्रू सर्कुलर स्केल ऑफ द सिक्रू गेट है, और ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल है, ये वाला हमारे पास क्या है, मेन स्केल है। एज अ थिम्बल कम्प्लीट्स वन रोटेशन, और जब थिम्बल हमारे पास वन रोटेशन कम्प्लीट करते हैं, 100 डिवीजन्स पास द इंडेक्स लाइन, और 100 डिवीजन्स जो होती हैं वो पास होती हैं, एंड थिम्बल मूव्स 1 मिलीमीटर अलॉन्ग द मेन स्केल, ये हम पढ़ चुके हैं। दस ईच डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल की हर जो डिवीजन होती है वो क्रॉस करती है इंडेक्स लाइन को, मूव्स थिम्बल अक्रॉस अ 1/100। 1/100 मतलब कि हमारे पास एक रीडिंग, और 100 मतलब कि जो इसके ऊपर जो रीडिंग्स हैं वो कितनी है, 100 है, ठीक है। तो इसकी हर रीडिंग को हम क्या करते हैं, 100 के ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और 0.11 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ द सिक्रू गेज कैन आल्सो बी फाउंड, और अगर इसका हम लीस्ट काउंट फाइंड करना चाहें, लीस्ट काउंट किस तरह फाइंड करेंगे, पिच ऑफ द सिक्रू गेज, सिक्रू गेज की पिच कितनी होती है, 1 मिलीमीटर है, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल के ऊपर जो नंबर ऑफ डिवीजन होती हैं वो कितनी होती है, 100 होती हैं। इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास 0.01 मिलीमीटर है, या 0.001 सेंटीमीटर का हम लिख सकते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ सिक्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, MCQs के अंदर ज़्यादातर पूछा जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकते हैं, तो इसको आपने अच्छे से देखना है। वर्किंग ऑफ अ सिक्रू गेज, सिक्रू गेज की वर्किंग किस तरह होती है। द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द जीरो एरर ऑफ द सिक्रू गेज, सबसे पहले हमें सिक्रू गेज का जीरो एरर का पता होना चाहिए, हमने सबसे पहले वो चेक करना है, जीरो एरर। टू फाइंड द जीरो एरर, क्लोज द गैप बिटवीन द स्पाइंडल एंड द स्टड ऑफ द सिक्रू गेज बाय रोटेटिंग द इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन। जब हम इस थिम्बल को मूव करवाएंगे तो हमारे पास ये स्पाइंडल और जो स्टड है ये आपस में क्या हो जाएंगे, क्लोज इनफ, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, इनके द्वारा डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। इफ़ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, जब हम ये काम कर लेंगे, उसको आपस में क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, ये हमारे पास क्या सर्कुलर स्केल है, इसका जीरो हमारे पास ये है, इफ़ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कॉन्साइड्स विद द इंडेक्स लाइन, और वो इंडेक्स लाइन के साथ क्या करे, कॉन्साइड करे, ये इंडेक्स लाइन ये वाली है, देन द जीरो एरर विल बी जीरो, देन इसका जीरो एरर क्या होगा, जीरो होगा। इसके अंदर हमारे पास इसका जीरो एरर क्या, जीरो है, क्योंकि इसका जो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो इसकी इंडेक्स लाइन के साथ क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। जीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। अगर हमारे पास ये देखें, अब इसका जीरो जो एरर है, इसका जो अब जीरो लाइन है वो यहाँ कहीं पे यहीं पे है, लेकिन वो जीरो एरर जो है वो उसकी जीरो रीडिंग इसके जीरो के साथ कॉन्साइड नहीं कर रही, वो बिहाइंड द स्केल है, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो जीरो एरर होगा वो कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। इन दिस केस मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ द डिवीजन, फिर हम इस केस के अंदर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल एंड हैज नॉट क्रॉस द इंडेक्स लाइन विद लीस्ट काउंट ऑफ सिक्रू गेज टू फाइंड जीरो एरर एज शोन इन फिगर। अगर हमारे पास ये केस हो कि इसकी जो जीरो मेन स्केल सॉरी जो वर्क जो ये स्केल है सर्कुलर स्केल है इसका जीरो अगर इसके जीरो के साथ मैच ना कर रहा हो तो हम नंबर ऑफ लाइंस को गिनेंगे। ये जो नंबर ऑफ लाइंस कौन सी बनती है, 15, ये 16, 17, 18, 18 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम उसके के साथ लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा, हमारा जीरो एरर हो जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा। और नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा, जब हमारे पास जो ये यहाँ पे इसका जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो इस जीरो की इस साइड पे आ जाए, जैसा कि ये केस है। अब ये देखिए हमारे पास सर्कुलर स्केल का जीरो ये है और ये यहाँ पे हमारे पास ऐड कर रहा है, इसके अंदर भी हम नंबर ऑफ लाइंस को गिनेंगे। जीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज क्रॉस द इंडेक्स लाइन, जब उसके क्या कर दी, क्रॉस कर दिए। फिर इसी केस के अंदर भी हम क्या करेंगे, इन दिस केस मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, हम मल्टीप्लाई करेंगे ये सर्कुलर स्केल के ऊपर जो नंबर ऑफ डिवीजन है, जैसे कि ये 95 है, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इंडेक्स लाइन विद लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सिक्रू गेज का टू फाइंड द नेगेटिव जीरो एरर, वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, मैस को मेजर कर सकते हैं। पोर्ट्स वर यूज टू मेजर ग्रेन इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द एंशियंट टाइम्स, हाउएवर बैलेंसेस वर आल्सो इज यूज बाय अ ग्रीक एंड रोमेंस। बीम बैलेंसेस सच एज इन फिगर 1.13 आर स्टिल इन यूज एट मैनी प्लेसेज। इसको हम आपने देखा होगा अक्सर शॉप्स के अंदर, पुरानी शॉप्स के अंदर ये अभी भी इसको, ये जिसको हम तराजू कहते हैं, ये आज भी मैं
आपने देखा होगा शॉप्स के अंदर, पुरानी शॉप्स के अंदर इस बीम बैलेंस को आज भी जो है मैस मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ बैलेंस्ड बाय पुटिंग नॉन मैसेज इन द अदर पेन। इसके अंदर हम क्या कहा जाता है, हम मैसेज को बैलेंस करते हैं अदर दूसरी साइड पे हम कोई भी ऐसा मैस लिखते हैं जिसका हमें मैस ऑलरेडी मालूम होता है, और जिसका मैस हमने फाइंड करना होता है उसको हम दूसरी साइड पर रखते हैं। टुडे पीपल यूज़ मैनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज। और आजकल के दौर के अंदर तो काफ़ी सारे मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज आ चुके हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, इनका अब रवाज बहुत ही कम रह चुका है। यू माइट हैव सीन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज इन स्वीट एंड ग्रॉसरी शॉप्स। आपने स्वीट और ग्रॉसरी शॉप्स के अंदर एडवांस जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज है वो देखे होंगे। दीज आर मोर प्रिसाइज देन बीम बैलेंसेज एंड ईजी टू हैंडल। और आजकल के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक जो बैलेंसेज है वो एज़ कम्पेयर टू बीम बैलेंस मोस्ट एक्यूरेट भी हैं, प्रिसाइज भी हैं, और हम उसको ईजिली हैंडल भी कर सकते हैं। फिजिकल बैलेंस। अ फिजिकल बैलेंस इज यूज इन द लेबॉरेटरी टू मेजर द मैस ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय द कंपेरिजन। फिजिकल बैलेंस को हम लेबॉरेटरीज के अंदर यूज़ करते हैं मैस को मेजर करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करके। इट कंसिस्ट ऑफ अ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑफ द फुलक्रम एज शोन इन 1.1। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये एक बीम पे कंसिस्ट होता है, ठीक है। ये हमारे पास बीम है जो कि एट द सेंटर ऑफ द फुलक्रम, ये सेंटर में होती है, ठीक है। द बीम कैरीज स्केल पैंस ओवर द हुक्स। ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे स्केल पैन होता है ओवर द हुक्स ऑन आइदर साइड। अननोन मैस इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन। लेफ्ट पैन के ऊपर हम क्या रखते हैं, एक अननोन मैस रखते हैं। फाइंड सम सुइटेबल स्टैंडर्ड मैसेज डेट कॉजेज द पॉइंटर टू रिमेन एट जीरो ऑन राइसिस द बीम। द बीम कैरीज स्केल पैन ओवर हुक्स एट द आइदर साइड। दूसरी साइड के अंदर हम एक कोई भी स्केल पैन रखते हैं। अननोन मैस इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन। फाइंड सम सुइटेबल स्टैंडर्ड मैसेज डेट कॉज द पॉइंटर टू रिमेन एट जीरो और राइजिंग द बीम। और फिर हम एक ऐसी बल्कि कोई ऐसा मैस रखते हैं जो कि उस पैन के मैस के बराबर हो, और वो जो इसको ये जो उसकी जो जिसको क्या कहते हैं मैस है और उसका जो पॉइंटर है उसको क्या रखे, बिल्कुल सेंटर में रखेगा। जब ये मैस बिल्कुल सेंटर में होगा इसके जीरो के ऊपर होगा, तब हम कहेंगे जो इस साइड पे जो हमारे पास मैस पड़ा हुआ है और जो इस साइड पे हमारे पास मैस पड़ा हुआ है, दोनों का मैस अब एक दूसरे से क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है लीवर बैलेंस। अ लीवर बैलेंस सच एज शोन इन फिगर 1.1। ये हमारे पास क्या, एक लीवर बैलेंस है। कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ लीवर्स। इसके ऊपर क्या होते हैं, लीवर्स का सिस्टम होता है। मैन लीवर इज लिफ्टेड प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट इन वन पैन एंड स्टैंडर्ड मैसेज ऑन द अदर पैन। द पॉइंटर ऑफ द लीवर सिस्टम मूव्स। जब हम मतलब कि इसकी एक साइड के ऊपर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसका मैस अननोन है, और दूसरे पेन के अंदर एक स्टैंडर्ड मैस रखते हैं, और फिर हम उसके पॉइंटर को मेजर करते हैं कि वो उसका जो पॉइंटर लीवर सिस्टम है वो किस तरह मूव करता है। द पॉइंटर इज बाउंड टू बाय जीरो बाय वेयरिंग स्टैंडर्ड मैसेज। और अगर हमने इसको जीरो पे लेके आना है तो हमारे पास दोनों हमारी साइड्स के ऊपर जो मैसेज हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होंगे। तो हमारे पास ये इसका लीवर बैलेंस का होगा, ये बिल्कुल जीरो पे होगा। देन हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज सच एज शोन इन फिगर कम इन वेरियस रेंजेस। ये वेरियस रेंजेस के अंदर होता है, जैसा कि मिलीग्राम रेंज, ग्राम रेंज एंड किलोग्राम रेंज। बिफोर मेजरिंग द मैस ऑफ द बॉडी इट स्विच इज ऑन। जब हमने इसका मैस मेजर करना होगा किसी भी चीज़ का, सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे एंड इट्स रीडिंग इज सेट टू बी अ जीरो, और उसकी रीडिंग को हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे। नेक्स्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेटेड। फिर हम उसके ऊपर इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे जिसका हमने क्या करना है, मैस फाइंड करना है। द रीडिंग ऑन द बैलेंसेज गिव्स यू द मैस ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ओवर इट। और यहाँ पे हमें जो रीडिंग मिल रही होगी, ये रीडिंग क्या होगी, ये रीडिंग उस मैस उस ऑब्जेक्ट का मैस होगी जो ऑब्जेक्ट हमने ऊपर रखा होगा। द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस। द मैस ऑफ 1 रुपी कोइन इज डन यूजिंग डिफरेंट बैलेंसेज एज शोन फिगर। एक हमारे पास जो मैस है वन रुपी कोइन का जो मैस होता है, उसको हम डिफरेंट बैलेंसेज को यूज़ करते हुए मेजर कर सकते हैं। जैसा कि हम स्टडी करते हैं, फर्स्ट हमारे पास बीम बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस है और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। बीम बैलेंस के जरिए लेफ्ट द बैलेंस मेजर कोइन मैस 3.2। लेट हमने किया कि बैलेंस जो मेजर हमने किया कोइन का वो 3.2 है। अ सेंसिटिव बीम बैलेंस मे बी एबल टू डिटेक्ट अ चेंज अ स्मॉल एज 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम। एक जो हमारे पास सेंसिटिव बीम बैलेंस होगा उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, जैसा कि 0.1 ग्राम होगा या 100 मिलीग्राम होगा। नेक्स्ट फिजिकल बैलेंस है।
फिजिकल बैलेंस के जरिए हमने जो मास मेजर करेंगे वो 3.24 ग्राम होगा। लीस्ट काउंट ऑफ द फिजिकल बैलेंस मे बी एज स्मॉल एज 0.01 ग्राम या 100 ग्राम मिलीग्राम हो सकते हैं। देयरफॉर इस मेजरमेंट वुड बी मोर प्रिसाइज देन द सेंसिटिव बीम बैलेंस। और इसकी जो हमारे पास मेजरमेंट होगी फिजिकल बैलेंस के जरिए जो मेजरमेंट करेंगे वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी एज कम्पेयर टू बीम बैलेंस। देन हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। लेट द बैलेंस मेजर क्वींस मैस 3.247 ग्राम। देखिए हमारे पास यहाँ पे 3.2 आई है, देन 3.24 है, देन 3.247 है। हमारी रीडिंग एक्यूरेट होती जा रही है। लीस्ट काउंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम। देयरफॉर इट्स मेजरमेंट वुड बी मोर प्रिसाइज देन अ सेंसिटिव बीम फिजिकल बैलेंस। दस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज मोस्ट सेंसिटिव बैलेंस इन द अबव बैलेंसेज। तो हमने जितने भी बैलेंसेज पढ़े हैं बीम बैलेंस या फिजिकल बैलेंस उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमारे पास जो है वो मोस्ट प्रिसाइज है और उसको हैंडल भी इसी तरह इजीली कर सकते हैं और वो मोस्ट एक्यूरेट हमें वैल्यू देता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।